welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today, guys, we're watching The Untold Truth of Bravas. Yep. Is it five? At the start, so I don't want to say, is it five social? Is it... but anyway, what I was going to say was Untold Story of Bravas. Obviously, I think just last week, was it? Yash came on the set of Bravas's new film, where they're starting it. Salar from her. I saw it on the Instagram. Did you? Yeah. Obviously, Prashant Neel, who made KGF, is making Salar, and I hope I'm pronouncing it right. And obviously, they're both on the picture together, yeah. Weren't they? So, next big project. So, thought, hey, let's know a little bit more about Bravas. And hopefully stuff on here, just in case, because obviously we've done a video of Yash and stuff like that. And people went, many of this stuff these people made a video isn't true. This isn't right. That's right. Which we fully appreciate. Yeah. I'm grateful that everyone writes what is true, what's not. But obviously, sometimes the people that create the videos, they don't know all the truth. Or we don't know which ones are right and wrong. And this is why we say, when you like send us titles, because many times people either send titles or they send a link. And sometimes it's not both and it doesn't fit the whatever. So, but hopefully everything on here is the truth. If not, we didn't make it. We're just watching it. But you can comment underneath and let us know what's true, what's not true, and what's missing, basically. So anyway, let's check this out. Welcome to Social. प्रभास एक ऐसे मॉडर्न एक्टर हैं जिन्होंने तेलुगु फिल्म से होते हुए भी बॉलीवुड ऑडियंस का दिल जीत लिया है। उनकी फिल्म बाहुबली का क्रेज इतना रहा है कि उस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। एक सुपरस्टार बनने के बाद भी प्रभास आज बहुत ही शांत और ग्राउंडेड नजर आते हैं और उनकी लाइफ के बारे में आज भी लोग ज्यादा नहीं जानते। इस वीडियो में हम आपको प्रभास की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। प्रभास एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उनके फादर सूर्य नारायण राजू तेलुगु फिल्म्स के प्रोड्यूसर थे और उनके अंकल कृष्णम राजू एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर। प्रभास की मदर एक हाउसवाइफ हैं और प्रभास फैमिली के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हैं। एक फिल्म फैमिली से होते हुए भी प्रभास से बचपन में जब पूछा जाता था कि वो बड़े होकर एक्टर बनना चाहेंगे कि नहीं, तो हमेशा उनका जवाब ना ही होता था। प्रभास ने बताया कि अपने फादर और अंकल को मैंने कई मूवीज की शूटिंग के दौरान देखा है। इतने सारे लोगों और कैमराज के सामने मैं कभी भी नहीं आना चाहता था, इसलिए मुझे एक्टिंग में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। प्रभास को लगता था कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे और एक दिन वो अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। प्रभास ने बताया कि वो बचपन से ही फूडी रहे हैं और उन्हें हमेशा से नई नई तरह का फूड ट्राई करना बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें लगता था कि अगर वो कोई करियर बनाएंगे तो वो फूड इंडस्ट्री में ही होगा। फिर एक दिन जब प्रभास अपने अंकल कृष्णम राजू की फिल्म देख रहे थे तो प्रभास को लगा कि ये कैरेक्टर बिल्कुल उनके जैसा है और वो भी एक्टिंग सीख सकते हैं। उसके बाद से ही प्रभास ने फिल्म्स में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। फिल्म करियर। प्रभास ने अपना डेब्यू 2002 में फिल्म ईश्वर से किया और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक फिल्म बैकग्राउंड से होते हुए भी प्रभास की पहली फिल्म उनके फादर ने नहीं प्रोड्यूस की, बल्कि ईश्वर एक लो बजट फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर प्रभास के दोस्त ही थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कोई खास बिजनेस नहीं किया, पर प्रभास की परफॉर्मेंस को देख के लगा कि प्रभास एक बहुत ही अलग तरह के एक्टर हैं जो ऑन स्क्रीन बहुत ही काम नजर आते हैं, पर एक्शन सीन्स में उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए उन्हें उसके बाद फिल्म वर्षम में कास्ट किया गया जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसकी हिंदी रीमेक बागी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाई गई और सभी बॉलीवुड फैंस जानते हैं कि बागी फ्रेंचाइजी कितनी सक्सेसफुल रही है। वर्षम के बाद प्रभास की कई फिल्म्स फ्लॉप हुई, पर प्रभास की एक्टिंग को फिर भी अप्रिशिएट किया गया। फिर प्रभास और डायरेक्टर राजामौली की मुलाकात हुई जहां प्रभास उनकी फिल्म छत्रपति में नजर आए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसके बाद से ही प्रभास को एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर माना जाने लगा, पर उनकी आने वाली कुछ फिल्म्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर 2009 में जब उन्हें फिल्म बिल्ला में अनुष्का शेट्टी के साथ देखा गया तो उसके बाद से ही प्रभास की सारी फिल्म्स हिट रहीं। जहां बाहुबली से पहले एक निरंजन प्रभास के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही और वहां से ही प्रभास को तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गिना जाने लगा और फैंस उनकी फिल्म डार्लिंग की सक्सेस के बाद प्रभास को डार्लिंग प्रभास के नाम से बुलाने लगे। द बाहुबली इफेक्ट।
प्रभास को जब बाहुबली ऑफर की गई तो उन्हें उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और फिल्म के रिलीज के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहुबली फ्रेंचाइजी इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही, जहां बाहुबली 2 द कंक्लूजन के पहले दिन का बिजनेस 122 करोड़ रहा और पूरे इंडिया में फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 1400 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। प्रभास ने फिल्म के लिए अपने करियर के 5 साल दिए, जहां उन्होंने अपने लुक्स और बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस किए। बात करें उनकी एक्टिंग फीस की तो फिल्म के लिए प्रभास ने कोई भी फी डिमांड नहीं की थी और मेकर्स को कहा था कि आपको जो भी फी देनी हो आप वही दें और बाकी पैसे आप फिल्म के प्रोडक्शन में लगाएं। वैसे तो बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स फिल्म के लिए एक्टिंग फी चार्ज नहीं करते, पर शायद कोई भी 5 साल तक उस रूटीन को फॉलो ना कर पाए जैसे प्रभास ने किया। प्रभास ने कहा कि उनकी लाइफ में पैसों से ज्यादा फिल्म का सही तरीके से बनना जरूरी था। उन्हें कई डिफिकल्टीज तो आई, जैसे सभी ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो बाहुबली जैसी फिल्म को ना करें क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ने कोई भी इस तरह की फिल्म नहीं देखी थी, तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने आएंगे कि नहीं। उसके अलावा अपने करियर के 5 साल एक ही फिल्म को दे देना भी फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि प्रभास की फिल्म्स ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी और वो आराम से 5 सालों में 8-9 फिल्म्स कर सकते थे, पर शायद प्रभास का विजन कुछ और ही था। प्रभास जानते थे कि अगर वो बाहुबली के लिए पूरी तरह कमिटेड रहेंगे तो उन्हें सक्सेस जरूर हासिल होगी। बाहुबली की सक्सेस के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदी ऑडियंस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और कई फॉरेन कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। प्रभास का कहना है कि बाहुबली हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। बाहुबली हैज गिवन मी समथिंग 10,000 टाइम्स मोर देन व्हाट आई डिड बिफोर। प्रभास की हम्बल नेचर। सुपरस्टार स्टेटस अचीव करने के बाद भी प्रभास बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और बॉलीवुड में ऑडियंस को उनकी ये क्वालिटी बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि हिंदी फिल्म एक्टर्स में ज्यादातर ये क्वालिटी मिसिंग होती है, जहां फिल्म्स के हिट हो जाने के बाद एक्टर्स एरोगेंट हो जाते हैं और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में उनकी एक नेगेटिव साइड देखने को मिलती है। प्रभास इतनी सक्सेस के बाद भी बहुत ही ग्राउंडेड नजर आते हैं और जब भी आप उन्हें किसी इंटरव्यू में देखेंगे तो वो कभी कोई क्रेडिट खुद नहीं लेते, हमेशा किसी ना किसी और को क्रेडिट देते नजर आते हैं। जैसे बाहुबली की ओवरनाइट सक्सेस के बाद जब भी उनसे पूछा जाता है तो हमेशा वो राजमौली या फिल्म के टेक्नीशियंस को क्रेडिट देते हैं। प्रभास आज भी मीडिया और फैंस से बहुत शाई फील करते हैं, इसलिए वो प्रेस के सामने फोटोज खिंचवाते हुए कभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आते, पर प्रभास अपने फैंस को बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और उनके कई मोमेंट्स पॉपुलर भी रहे हैं। ऐसे ही एक फैन मूवमेंट पॉपुलर हुआ जहां प्रभास को एक स्पेशली एबल फैन के साथ देखा गया, जहां उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए प्रभास नीचे भी बैठे और अपना फोन नंबर भी उनको दिया। इसी तरह उनके फैन साई कुमार जो व्हीलचेयर बाउंड है, प्रभास ने उन्हें बाहुबली की स्पेशल स्क्रीनिंग पे बुलाया और अपने साथ फिल्म के सेट का टूर भी दिया। प्रभास के इस जेस्टर को मीडिया और फैंस ने बहुत पसंद किया और कई आर्टिकल्स में लिखा गया कि शायद ही कोई बॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की तरह हम्बल और सेल्फलेस होगा। इसके अलावा प्रभास चैरिटी वर्क में भी बहुत बिलीव करते हैं और कहा जाता है कि प्रभास अपनी इनकम का एक बड़ा मार्जिन चैरिटी में डोनेट करते हैं। जैसे कि जब प्रभास ने एक दिन ब्लाइंड बच्चों के स्कूल को देखा तो उसकी कंडीशन को देखकर उन्होंने उसी वक्त स्कूल को 10 लाख रुपए डोनेट किए और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस की भी जिम्मेदारी उठाई। प्रभास मानते हैं कि अगर आप अच्छे पैसे अर्न करते हो तो आप उसमें से थोड़ा हमेशा लोगों की मदद में लगा सकते हैं, वरना इतने पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं। रिलेशनशिप्स। प्रभास के कभी भी अफेयर्स या लिंकअप्स के बारे में सुनने को नहीं मिला है, पर जब से उन्होंने बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ फिल्म्स करना शुरू किया है तब से ही दोनों के रिलेशनशिप में होने की न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। प्रभास और अनुष्का हमेशा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर आते हैं और प्रभास ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी फेवरेट को-स्टार अनुष्का ही है और फ्यूचर में भी दोनों एक साथ काम करना पसंद करेंगे। ऐसे ही जब मीडिया में प्रभास और अनुष्का के मैरिज के र्यूमर्स आने लगे तो प्रभास ने ऑफिशियली कहा कि मैं अनुष्का को डेट नहीं कर रहा, मेरे बारे में जो भी र्यूमर्स हैं वो हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से आए हैं, क्योंकि हमने बाहुबली में 5 साल एक साथ काम किया है, सो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि हम दोनों की क्लोजनेस भी ज्यादा होगी। प्रभास के डाई हार्ड फैंस आज भी उनको अनुष्का के साथ देखना चाहते हैं और फैन थ्योरीज का मानना है कि दोनों अपना रिलेशनशिप रणवीर दीपिका की तरह मीडिया से छुपा कर रखेंगे और एक दिन दोनों शादी कर लेंगे। रियलिटी जो भी हो, पर प्रभास ने साहू के प्रमोशंस के दौरान अपना रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड बताया है, सो वी नेवर नो उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्रभास लाइफ को बहुत आराम से जीना पसंद करते हैं और सक्सेस हो या फेलियर दोनों ही चीजें उन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। प्रभास की फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मदर है और आज भी अपना फ्री टाइम वो अपनी मदर के साथ ही बिताते हैं। प्रभास अपने फ्रेंड्स के साथ आज भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में उनकी फिल्म्स को प्रोड्यूस किया था और आज उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म साहू की प्रोडक्शन
भी की है। प्रभास को जब एक सुपरस्टार कहा जाता है तो वो नहीं मानते कि वो कोई सुपरस्टार है। उनका कहना है कि ना मुझे पब्लिक के सामने फोटो खिंचवाना आता है और ना ही मुझे इंटरव्यूज देना आता है। सुपरस्टार वो होता है जो 10 साल तक अपने करियर के टॉप पर रहे। इसलिए मुझसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, सलमान, आमिर, अक्षय और शाहरुख खान है। 5 लेसन नोन फैक्ट्स। नंबर 1, कई एक्टर्स की तरह प्रभास भी अपनी फिल्म रिलीज के दिन बहुत नर्वस हो जाते हैं, पर जहां एक्टर्स पूरी रात नहीं सोते वहीं प्रभास फिल्म रिलीज की पूरी सुबह सोते रहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अगर फिल्म की ओपनिंग अच्छी हो तो ही मुझे उठाना, अदरवाइज मुझे सोने देना। प्रभास ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर उनकी फिल्म को अच्छी ओपनिंग ना भी मिले तो एटलीस्ट वो अच्छी तरह सोकर उस न्यूज़ को सुनना चाहते हैं। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभास ने शाहिद को कबीर सिंह के लिए पर्सनली कॉल करके प्रेस किया था। प्रभास को लगा कि अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक बहुत ही कमर्शियल होगा और ओरिजिनल फिल्म से बहुत ही अलग नजर आएगा, पर जब प्रभास ने कबीर सिंह का ट्रेलर देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शाहिद ने फिल्म में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इसीलिए प्रभास ने शाहिद को पर्सनली कॉल भी किया। शाहिद ने कहा कि प्रभास बहुत ही काइंड है और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ की। नंबर 3, प्रभास ने फिल्म एक्शन जैक्सन में एक कैमियो भी किया जहां वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक सॉन्ग में नजर आते हैं। प्रभास ने ये कैमियो अपने फ्रेंड प्रभुदेवा की रिक्वेस्ट पे किया था और ये प्रभास की पहली हिंदी फिल्म अपीयरेंस थी। नंबर 4, इतने बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद भी प्रभास ज्यादा प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स नहीं करते। प्रभास ने अपने पूरे करियर में अभी तक सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट की है। नंबर 5, प्रभास के फादर सूर्य नारायण राजू ने प्रभास को हमेशा स्टारडम के लिए हम्बल रहना सिखाया और उनके पूरे करियर में उन्होंने प्रभास की सिर्फ एक ही फिल्म प्रोड्यूस की, जिससे साफ पता चलता है कि प्रभास की तरह उनके फादर भी बहुत रियलिस्टिक इंसान थे जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। जब 2010 में उनकी डेथ हुई तो उस वक्त प्रभास एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, पर प्रभास को आज भी अफसोस होता है कि उनके फादर उनकी फिल्म बाहुबली की सक्सेस को नहीं देख पाए। प्रभास ने कहा कि मेरे फादर कहा करते थे कि एक दिन तुम्हारे करियर में ऐसी फिल्म आएगी जिससे लोग तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरी करियर की वो फिल्म बाहुबली थी और अगर मेरे फादर आज यहाँ होते तो बाहुबली की सक्सेस को देख कर वो मुझसे भी ज्यादा खुश होते। Like, you know, even now when he's just walking, his presence, his look, you don't see anyone else who would have suited that role. Never. That would be able to ever. If I'm just saying they always do remakes and all that. If anyone in the world can try to remake in that, no one's going to be able to perform like or give the look that and everything that created that character. Yeah, definitely. He was the person. And no one could probably give their life. Like, you know, 5 years of the life, like he just gave it. But the way that they just describe him, they how sweet and humble. Yeah, yeah. It's like hearing all the stuff, like, first of all, he didn't even want to be in the industry at all. You know, wanted to get into food or having some restaurant. Like, you wouldn't know those things. But, like, the man is so talented. But then you can see, like, you know, like he says, that he loves his fans and everyone, like, but he doesn't... He's very humble, as in he's always either bigging up or, you know, appreciating and saying that it's the director who's done it or the technician or probably he's the stars that he works with. He even, like, names other bigger stars in the, like, who've been in the industry a lot longer. He respects others. I didn't know of him at all, Prabhas, at all until I watched Bahubali. And I'm so glad that I watched Bahubali, like, the first film of his. Because I would never, ever, ever forget that. Now, if you've watched our previous videos that we've done of him, I explained why it was like a huge part of my life that this is something I watch and I will never forget. And I think I used to sit there and cry through it as well because it was just so, like, just a lovely film. All of it, sorry, there. But just from there, like, it's the first time I've seen him. I'm glad that's the first one I've watched, like I said. But just everything about him, like, not knowing, I didn't watch anything after that or anything, but you just could sense it that he is humble. And when you've got someone saying it, we're watching it here now, the ladies speaking about him, the way he feels for his dad and the words that he says about other people, his mother, and he puts other people first, you know. And we watched something not long ago as well, the couple he was on there, and I was like, oh, I wish he's, because he's very quiet, and that little girl came up to him, and he's very and much he just, and you could see he's very much, and you get to know him, like, properly and see that he's always like that, and it's that's
that's just so sweet as well. You get to understand him as he be himself, doesn't he? He doesn't try to be something he's not, or like over the top or anything. Just very much. And you know, like he's got a big heart to take someone on show with him. Having the people that the disabilities the kids had, he's actually gone down on his knees and had photos taken with him, called someone on stage. Yeah. You just see that, And like I said, this year, looking forward to obviously. I think Radhika. That touched me. Sorry, it touched me as well when his dad has said that there's gonna be a film in your life. I swear, I got goosebumps throughout, and it's a shame that he wasn't there for. But he's, like I said, it's a shame. I mean? But just having someone who believes in you. Yeah. Or says something like that, it sticks with you forever, isn't it? Life, So that someone's believed in me, and that's gonna happen. Yeah. And when he did, he was just like, "This was that moment." Yeah. I wish he was here to see. He's a lovely guy. So, that's one person I'd love to meet. So it was really nice to watch this video. And like I said, guys, do write down anything else that we don't know. Also, other videos on anyone else that you think we should watch. Doesn't matter who it is. The weather lady, whoever is this. The weather they present to is really nice. Absolutely lovely. Very nice. Yeah. So I will put a link to social's channel as well below. So if there's any other videos, if you haven't been on there, so check their channel out and check their videos, because I did like the way that they presented it, regardless of if we know what it is. But it was just nice. It was nice the way that they done the video. And there's the stuff that we learned about him. It's lovely, honestly. Just makes you even more love this guy. He's a foodie. And I'm just saying, call him Darling Prabhas. You can see why they call him Darling, because he's just like this lovable guy. And the fact when his movies come out, he'll be asleep. He'll be like, wake me up when, if it's a good one. You know, I don't want to disturb my sleep if it isn't. Do you know what I mean? That's actually who would do and that. And looking forward to Radhisham, supposed to be a romantic love story. Yeah. So that'd be nice to watch as well. And the first two movies that he actually did, one was someone he knew, they didn't do so well, whatever. But you wouldn't know all that stuff. Yeah. Anyway, that was the video, guys. Let us know, like I said, any other videos you guys want us to watch, anyone else's that people, actors and stars and you lot want us to see and know about, do let us know. Put the title and the link, and as always, make sure you click on the subscribe button, share, and we'll see you in the next one. See you guys. Take care. Bye. See you soon. Bye.